खबर मऊगंज जिले से है, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मागढ़ में 9 फरवरी को अर्धजली लाश मिली थी, जिसके पहचान संतोष कोल निवासी खोड़वानी के रूप में हुई थी। पुलिस के द्वारा मिले साक्ष्य के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिनकी पहचान मोहित साकेत, मुकेश, धर्मेंद्र और रंजीत साकेत के रूप में हुई है। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना दिनांक को वह घर के बाहर बैठे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले उनके रिश्तेदार के घर संतोष चोरी की नीयत से घुसा था, जहां उन्होंने मारपीट की और हत्या कर दी। सबको घर में ही छुपा कर रखा था, लेकिन जब सब डीकम्पोज होने लगा तो साइकिल में लादकर गांव से दूर ब्रह्मागढ़ में फेंक दिया था। पुलिस को घटना स्थल से कंबल और साड़ियां बरामद हुई थी। मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस पूरे मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए मऊगंज पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। बस तमाम साक्ष्य मिले हैं और जिनकी एफएसएल जांच कराई जा रही है। थाना शाहपुर के ग्राम खुरवानी का निवासी संतोष कोल, इसकी लाश दिनांक 9 फरवरी को मिली थी। ब्रह्मगढ़ जो बिल्कुल लगा हुआ गांव है, वहां पर रामाराव पंडित के एक ट्रांसफार्मर वाला खेत है, वहां पर मिली थी। लाश में नग्न अवस्था में थी और उसके कपड़े पास ही जले हुए अवस्था में पड़े हुए थे। अलग घटनास्थल से दिखाई दे रहा था कि किसी ने साइकिल पे लाश को रखकर और उनके कपड़े अलग से रखकर वहाँ पे जलाए गए हैं और कहीं और घटना कायद की गई है। इसमें जो लाश मिली थी वो नग्न अवस्था में थी, लेकिन उसके ऊपर साड़ियाँ, 3 साड़ियाँ लपटी हुई थी और उसके ऊपर सिर्फ एक कंबल लपटा हुआ था। साइकिल पे भी जो था उसमें मांस के टुकड़े लगे हुए थे। पुलिस ने इसमें विवेचना की तो पूरा इस जो हत्या था, हत्या करके इन्होंने जो साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, मोहित साकेत, मुकेश साकेत, धर्मेंद्र साकेत और रंजीत साकेत। ये सभी लोग ब्रह्मगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये लोग रात को ताश खेल रहे थे अपने घर में। बगल में इनकी भाभी उर्मिला साकेत रहती हैं, वहाँ पर अचानक चोरी की नीयत से ये मृतक संतोष कोल घुसा और वहाँ पे उन्होंने एकदम हल्ला मचा और वहाँ पर इन चारों ने मृतक संतोष कोल को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। हत्या में जब उसकी हत्या हो गई तो फिर इन लोगों ने घर में ही उसकी लाश रखी। 3-4 दिन बाद जब लाश सड़ने लगी, बदबू आने लगी, तो इनका कहना था कि हमारे पास जो साइकिल रखी हुई थी और उस पर हमने रखा और साड़ियाँ अपने घर से नी, कंबल लिया, उस पर लपेटा और हमने करीब वहाँ से आधा किलोमीटर दूर रामाधा पंडित जी के खेत में उस डेड बॉडी को फेंका है। तो पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और इसमें पुलिस को बहुत अहम साक्ष्य मिले हैं। पुलिस को मृतक के जो टॉर्च है वो भी आरोपियों के घर से मिली है। इसमें जो है खून के छींटे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है।
कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।